हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये हमारा पिछला वाला व्लॉग ही जो कंटिन्यू हो रहा है सासनगीर का। तो यहाँ पर अभी हम जाने वाला है जमजीर धोध, वो ये नया प्लेस है हमारे लिए। तो वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो बीच में हमें एक रास्ते पे झाड़ मिल गया था, इसको कुछ फल कहते हैं, इसको करमदा कहते हैं गुजराती में, हिंदी वर्ड तो मुझे पता नहीं है। अभी मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ झाड़ पर। तो ये काले काले आप देख रहे हो, ये बेरीज जैसे, तो इसको करमदा बोलते हैं। खाने में थोड़े से मीठे और लाइट लाइट खट्टे जैसे होते हैं और बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा भांजा अभी खा रहा है, ये देखिए इस प्रकार से रहता है। तो इसको बहुत पसंद है ये करमदा, इसको करमदा बोलते हैं। तो अभी ये रास्ते में ही था झाड़, तो उसने देख लिया कि इसमें थोड़े बहुत है तो निकाल के खाते हैं। ये देखिए वाइफ के ने वाइफ को भी ये पसंद आ गया था, इस प्रकार से करमदा होते हैं। ये देखिए छोटी सी बेबी भी आराम से खा रही है। तो लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जमजीर धोध पे। तो ये शायद इसका पानी है, ऊपर से जो नदी आती है वो बेहता पानी है। तो यहाँ पर ये देखिए भैंसे वगैरह नहा रही है, आराम कर रही है। उस तरफ आप देख सकते हो तो सारे कोई ग्रुप आया हुआ है, तो वो भी एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि बहुत ही ख़तरनाक धूप है, तो ये जानवर है आराम से वो पानी में अपने शरीर को ठंडे कर रहे हैं, और जो भी एक ग्रुप आया है वो भी पानी में एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम जाते हैं आगे की ओर। एक्चुअल में ये पीछे के साइड का है पूरा एरिया, तो हम थोड़ा शॉर्टकट ले पीछे से हम आगे चले गए थे। आगे की ओर ये धोध है, तो ये रहा, इस प्रकार से पानी गिरता है यहाँ पर नीचे की ओर। और अभी तो इतना फ्लो नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम है, बट जब बारिश का मौसम आएगा तो भाई यहाँ पर इतना बड़ा बहुत ही एकदम फोर्स से यहाँ से पानी आएगा और एकदम बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ पर आएगा धोध के। तब उस समय यहाँ पर सब लोग बहुत आते हैं इसका पानी का जो व्यू होता है धोध का, उसको एंजॉय करने के लिए। तो इस प्रकार से ये पूरा पानी है, तो अभी भी यहाँ पर बहुत बढ़िया पानी की आवाज़ आती है। तो आप आराम से ये पानी का जो नेचुरल आवाज़ है वो सुनिए। तो दोस्तों अभी हम खाना वाना दोपहर को खाकर हम एक रिश्तेदार के घर चले गए थे। तो फिर हमारी वहाँ पर आँख लग गई थी, तो फिर आँख लग के आराम से 7 बज गए थे। तो फिर 7 बजे थोड़ा बड़ा नाश्ता वगैरह करके सीधा हम निकल गए अपने घर की ओर। तो अभी आप रात का नज़ारा देखिए, इस प्रकार से पूरा रास्ता रहता है सासनगीर का। तो आपका नसीब अच्छा होगा तो यहाँ पर आपको रास्ते में कुछ जानवर वगैरह देखने को मिल जाएगा रात के टाइम में। कभी कभार सब लोग बोलते हैं कि शेर वगैरह भी निकल आते हैं रास्ते में, और तेंदुआ वगैरह भी आ जाते हैं रास्ते में। तो इस प्रकार से पूरा रास्ता आपको मिलेगा, और ओपन रास्ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से यहाँ पर चला के जाना, क्योंकि यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए रखे होते हैं कि जंगल का एरिया है तो कोई जानवर को नुकसान ना हो इस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ये बातचीत थोड़ी चल रही थी। तो यहाँ पर आगे जाके एक गांव आता है जामवाड़ा, तो अभी हम वहाँ पर रुकते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ क्या फेमस चीज़ है। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था आगे जामवाड़ा, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये देखिए लाइव मेकिंग चल भी रहा है। तो ये एक स्वीट डिश बना रहे हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से यहाँ पर दूध को गाढ़ा करते हैं पका के। इसका पानी है पूरा
गरम करके निकाल देते हैं और एक स्वीट डिश बनाते हैं, उसका नाम है थाबड़ी। और थाबड़ी पेंडा भी बनाते हैं, उसको शेप देते हैं थाबड़ी को और उसके पेंडा बना देते हैं। तो इस प्रकार से पूरा मेकिंग रहता है, बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार मेकिंग प्रोसेस है एकदम। इतना बड़ा भट्ठा रहता है और कंटिन्यू चालू ही रहता है इसका मेकिंग का प्रोसेस। बहुत ही बढ़िया स्वीट डिश है दोस्तों, यहाँ पर एक बार आई और ये ट्राई करना मत भूलना। तो ये रहे विनू भाई, तो यहाँ पर ये एक्चुअल यहाँ पर अशोक भाई के नाम पे प्रख्यात रहते हैं, ये इनके बड़े भैया है आई थिंक अशोक भाई। ये है उनके छोटे भाई विनू भाई, तो ये भी यहाँ पर इस प्रकार से बनाते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। और दोनों भाई मिलकर अपना बिजनेस यहाँ पर चलाते हैं और बहुत ही बढ़िया और ऑथेंटिक प्रकार से यहाँ पर बना के सबको खिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर आए तो यहाँ ज़रूर यहाँ पर इस शॉप को विज़िट करिए। अभी मैं आपको पूरा शॉप का आउटर एरिया दिखाता हूँ किस प्रकार से है, नाम वगैरह तो आपको नाम पर तो दिख जाएगा अशोक भाई का। तो अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो ये देखिए, कन्हैया लाइव थाबड़ी गुजराती में लिखा है, थाबड़ी और पेंडा, नाश्ता वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखिए क्लोजर लुक, इस प्रकार से पूरा गर्म करते हैं, 3-4 घंटे की टाइम लगता है इसको, तब ये पूरा बनता है। तो अभी आप दिखा रहे हैं ये विपुल भाई के, आप वहाँ आकर भी एक फ़ोटो ले लीजिए। तो ये देखिए पूरा नाम लिखा है हेरपरा अशोक भाई, ये उनका ये पूरा शॉप है। तो यहाँ पर नंबर वगैरह लिखे हुए, तो आप यहाँ पर आते हो तो आप नंबर से भी कांटेक्ट करके आप यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हो। तो ये रहे इस प्रकार से पेंडे और इस प्रकार से बॉक्स रहते हैं, और बाद में जो पड़ा हुआ है एकदम जो थाले में पड़ा हुआ, तो ये वो थाबड़ी है और जो वो शेप दे के उसको पेंडे बना लेते हैं और इस प्रकार से पैकेजिंग करके आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर आइए और ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा और ऑथेंटिक वे में ये लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो ये देखिए हमारी वाइफ ने भी ये बनाना सीख लिया कैसे बनाते हैं, तो वो भी यहाँ पर काम पे लग गई है। तो अभी आपको उसके हाथ का भी यहाँ पर खाने को मिल जाएगा थाबड़ी वगैरह। ठीक है दोस्तों, मज़ाक कर रहा हूँ, फिर भी ये देखिए उसको मज़ा आता है इस प्रकार से कैसे करते, वो मेकिंग प्रोसेस सीख रही थी, तो इस प्रकार से रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और अभी तक आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा देना, तो फिर मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।